जय श्री राधे। भक्ति संदर्भ नहीं लाए नो जा रहे हैं, नहीं वो ब्रजराज को पता है। प्रसंग चल रहा है जो श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य है, वो है व्यास जी के शब्दों में एक दो ग्यारह वदन्ति तत्तत्वभिदस् तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। यही जो समझ गया, भागवत समझ गया, नहीं तो कुछ नहीं समझा। क्योंकि भागवत के प्रारंभ में ही ग्रंथ का उपक्रम और उपसंहार यही उस ग्रंथ का मूल होता है। उपक्रम माने शुरुआत, उपसंहार माने समाप्ति। तो भागवत जी का उपक्रम क्या है? पहले स्कंद में ही पहले अध्याय में ये बात कही गई कि भगवान सगुण साकार है। जो लोग हठी हैं, खेचातानी करते हैं, उनसे तो विवाद करना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत के पहला श्लोक में भगवान के सगुण साकार की लीला है। जन्माद्यस्य यतोन्व्याद इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट। जन्म आदि इस संसार का जिससे हुआ है, ब्रह्म तो कुछ नहीं करता, निरीह है, उससे जन्म आदि लोग कहते हैं वो कल्पित है ही नहीं है। भागवतकार कहते हैं है जन्म आदि अस्य, जो संसार दिखाई पड़ रहा है ये विवर्त नहीं है। अद्वैतवादी विवर्त मानते हैं। विवर्त माने
भीतर कुछ नहीं है, एकमात्र प्रतीति है, मिथ्या प्रतीति है, तो उसको विवर्त कहते हैं। इसी पर सारा शंकर वेदांत रुका हुआ है। भागवतकार कहते हैं अस्य माने अस्य संसारस्य जन्म आदि, आदि माने पालन संहार सभी क्रियाएं हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तत् ब्रह्मेति विचक्ष। ब्रह्म क्या है? उपनिषदों में कहा गया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहां से पैदा होता है ये न जातानि जीवन्ति, और जिससे जन्म लेने का बाद जीवन्ति जीते हैं, यत् प्रयन्ति, और जिसमें प्रलय को प्राप्त हो जाता है, संविशन्ति, उसी में लीन हो जाते हैं, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। इस तरह से जो श्रुतियों ने कहा है वही बात श्रीमद् भागवत में आरंभ में कही गई है। जन्माद्यस्य अस्य मने संसारस्य, जहां से जन्म होता है, यतोन्व्यादि यतः मने जहां से, यतो वायमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। जहां से अनंत प्राणी पैदा हुए, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जिनसे उत्पन्न होने के बाद जीवन्ति, जीवन भी उन्हीं के कारण है। स्थूल बुद्धि के लोग समझते हैं रोटी पानी खाते हैं हम इसलिए जी रहे हैं। अगर रोटी पानी से मनुष्य जीता तो क्यों मरता? मरते समय तक वो खाता रहता है, ये भ्रम है। तत्वज्ञ लोग जानते हैं ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति, और जिसमें प्रलय हो जाता है, प्रयाणि मने अंतिम जाना, अंतिम गति, यत् मने जहां पर प्रयन्ति, और वहां जाकर के अभी संविशन्ति लीन होकर के प्रलय काल में संवेश करते हैं, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उसकी विजिज्ञासा करो वही है ब्रह्म, ये श्रुति कहती है। और इसको इसके बाद फिर वो कहते हैं आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, पूरा उत्तर देते हैं। ये नि जातानि का मतलब ये मने वो है क्या? आनंद रूप है वो ब्रह्म। आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जाता जायन्ति ये नि जातानि जीवन्ति, आनंद में ही सब लीन होते हैं, वो ब्रह्म आनंद है। उसका हमको ज्ञान नहीं है, बस यही दुख का कारण है।
मनुष्य जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक वो दुखी ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, कोई साधन कर ले, प्राकृत साधन कर ले, सारे ब्रह्मांड का सुख प्राप्त कर ले, यावंतो विषया प्रेष्ठा त्रिलोक्या मजितेन्द्रियम। वामन भगवान ने कहा था राजा बलि से, उसने कहा था तुम तीन ही पांव पृथ्वी क्यों मांगते हो, इसमें तो आदमी गुजर कैसे करेगा, छोटा सा तुम्हारा शरीर है और उसमें भी तीन डग ले रहे हो। बावन भगवान 52 अंगुल के थे और 52 अंगुल के शरीर में उनका हाथ पांव पेट सब शरीर दिखाई पड़ता था छोटा सा। बावन भगवान का छोटा छोटा पांव था तो इसलिए उसने कहा कि तुम अपने पांव से क्यों पृथ्वी लेना चाहते हो, तुम्हारे छोटे छोटे पांव होंगे इसमें कितनी जगह आएगी। तो उन्होंने कहा था राजन यावंतो विषया प्रेष्ठास्त्रिलोक्या मजितेन्द्रियम, इस त्रिलोकी में जितने विषय हैं वो सब एक आदमी को दे दिया जाए, न शुक न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप, ये सब मिलकर के एक आदमी की भोग वासना को तृप्त नहीं कर सकते। ये उन्होंने राजा बलि से कहा था। आठवें स्कंद में 19वें अध्याय में 21वां श्लोक, जितने विषय हैं संसार में ज्ञानेंद्रियों के विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब एक आदमी को दे दिए जाएं, अजितेंद्रिय है तो एक आदमी की, एक आदमी को भोजन परोसा जाए त्रिलोकी का तो भी उसका पेट नहीं भरेगा, एक आदमी को उसी तरह से त्रिलोकी की स्त्रियां दे दी जाएं भोग को तो संतुष्ट नहीं होगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, एक आदमी को ही समस्त सुगंधित पदार्थ दे दिए जाएं तो भी उसकी नासिका तृप्त नहीं होगी। इसलिए पुंसो यम संसृतेर हेतु रसंतोषो अर्थ कामयो, मनुष्य को असंतोष होता है, अर्थ माने कितना पैसा, काम माने कितना भोग, दो जगह असंतोष होता है, एक अर्थ में
एक कामनाओं में, कभी भी कामनाएं पूरी नहीं होती हैं और उस संसार में इसीलिए जन्मता है मरता है असंतोष के कारण। अगर संतोष आ जाए तो उसी समय मुक्त हो जाएगा। यदृच्छोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। यदिच्छा भगवान की इच्छा से जो मिल गया है, चाहे भोजन है चाहे कोई वस्तु है, उसमें संतुष्ट रहना सीख ले तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो दो जगह संतोष नहीं करता है, अर्थ माने पैसे में, काम माने भोग में, इसीलिए जन्म और मरण उसका होता है। अगर यदृच्छा लाभ संतोष आ जाए तो तेजस्वी बन जाएगा। ये संकेत दे रहे हैं भगवान कि मेरा स्वरूप बढ़ेगा, क्योंकि मैं संतुष्ट होकर के चल रहा हूं। लोग कहते हैं भगवान ने धोखा दिया, दान लेते समय तो छोटा सा रूप था, जब संकल्प बोला गया और नापते समय पांव बड़ा कर लिया, ये तो छल है। गोपियों ने भी कहा था ये छलिया हैं। मृगयुरिव कपीद्रम लुब्धे विब्धे लुब्ध धर्मा, स्त्रियम अकृत वुरूपाम स्त्री जीताम कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टवध्यांक्षवयत्वत् तद अलम असित सख्यैर दुस्तेजस तत्कृतार्थ। ये भ्रमर गीत में 47वें अध्याय में गोपियों ने कहा है कि इन्होंने छल किया, बलि के साथ हैं। जैसे कौआ ध्वांस कहते हैं, कौआ जिसका खाता है उसी को चोंच मारता है, ये हमने आंखों से देखा। प्रयाग में हर साल माघ मेला लगता है तो हम लोग जाते थे और घाट पर वहाँ गरम गरम जलेबी बनती थी तो जरूर खाते थे। लेकिन वहाँ जब जलेबी का दोना लेके चलते थे तो वो भी चील कौआ भी जानते हैं कि यहाँ दुकान खुल गई है, उमड़ाते रहते हैं और झपट्टा मारते हैं। कभी कभी दोना फैल जाता है, सलब जलेबियां बालू में बिखर जाती हैं। तो वो वही बात गोपियों ने कहा, ध्वांक्षवत्, ध्वांक्ष कौए को कहते हैं, जैसे बलि को खा करके और वो उसी को चोंच मारता है। बलिमपि बलिम अत्वा, रहने दो, कल भी बता है। बलि को अत्वा माने खा करके ध्वंस कौवे की तरह हमला करता है, वैसे इन्होंने भी तीनों लोक का दान लेकर के और बलि को वरुण पास से बांध दिया था।
तो ये कारे जितने हैं, सूरदास ने लिखा, सखी ये कारे सब ठगहार, असित कालों से प्रेम नहीं करना चाहिए। तो बोली जब प्रेम नहीं करना चाहिए तो तुम क्यों इनकी चर्चा करती हो। दुस्त्यजस तत्कथार्थ, ये कार्य प्रेम करने लायक तो नहीं है, क्योंकि मृगयूरिव कपींद्रम विभ्यधे लुब्ध धर्मा। बाली सुग्रीव की लड़ाई में बाली को उन्होंने धोखे से मारा, मृगयु कहते हैं हत्यारे बधिक को, उसी तरह से बाली को मारा कपींद्रम माने बाली, लुब्ध धर्मा माने बधिक के तरह, स्त्रियमकृत्य विरूपाम, और जो शूर्पणखा थी उसको नाक कान काट करके कुरूप कर दिया, जबकि स्वयं सीता के लिए ढूंढते फिर रहे थे, स्त्री जीत थे, स्त्री ने जीत रखा था इनको, उसकी क्या गलती थी बेचारी की। कामयानाम, वो तुम्हारी कामना ही तो कर रही थी। लोग इल्जाम देते हैं गलती तो तुम्हारी है, कोई पूछे तुम इतने सुंदर क्यों हुए हो, तुम भी तो स्त्री जीत थे, सीता को ढूंढ रहे थे, तो उनका उसका बेचारी का क्या दोष था। फिर इन्होंने बलि को तीनों लोक का दान लेकर के उसको बांध दिया कौवे की तरह। तो कारे लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए, लेकिन करें क्या। दुस्त्यजस तत्कथार्थ, तमाम बुराई करने के बाद भी एक ही शब्द ऐसा कर दिया, उसकी कथा तक नहीं छूटी जा छोड़ी जा सकती। वो इतना मीठा है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, कि वो मिले चाहे न मिले उसकी चर्चा छोड़ी नहीं जा सकती। तो ये हमने इसलिए कहा कि वामन भगवान ने संकेत दे दिया था, छल की बात नहीं है, कि जब मनुष्य संतोष रखता है तो उसका तेज बढ़ जाता है, यानी मेरा स्वरूप बढ़ेगा। इदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, ये संकेत दे दिया उन्होंने कि मैं संतोष लेके चल रहा हूं, केवल तीन डग पृथ्वी चाहता हूं इसलिए मेरा तेज बढ़ जाएगा। तत्प्रशाम्यति असंतोषात, मैं अगर असंतोष करूंगा तो अंभ माने पानी की सेवा से, जैसे आशुषुक्षणी कहते हैं अग्नि को, पानी से आग बुझ जाती है, वैसे ज्यादा लोभ से असंतोष से मेरा तेज नष्ट हो जाएगा। संतोष से वास्तव में भगवान ने 11वें स्कंद में भी कहा है कि मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है। एकादश स्कंद में आज हमारा समाज तेजहीन क्यों है,
क्योंकि हम लोगों में संतोष नहीं है, ग्यारहवें स्कंद में 19वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि असंतोष चलो खैर क्या श्लोक है नहीं नहीं हैं? जोर से बोलो। अच्छा 17 है, हाँ 17। प्रतिग्रहम मन्यमानस तपो तेजो यशो अनुदम 17 का 41। हमारा साधु समाज तेजहीन क्यों है? तप तेज यश तीनों चीज जल जाती हैं संग्रह से। तपो तेजो यशो अनुदम, यश भी नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े संत पधार रहे हैं, पैसा बहुत निकल रहा है तो यश नष्ट होता है। तप नष्ट होता है, तेज नष्ट होता है, यश नष्ट होता है। भगवान ने कहा, लेकिन मनुष्य को आदत बिगड़ी भई है, अनादिकाल से असंतोष सीखा, माँ ने सिखाया, बाप ने सिखाया, हम जैसे गुरु बन जाते हैं, साधु सिखाते हैं, खूब पैसा पैदा कर बेटा, इसमें हमारी सेवा तो करेगा। माँ बाप भी सोचते हैं बच्चा धनी बने तो हमारी सेवा करेगा। तो संसार सारा असंतोष सिखाता है। संतोष सिखाने वाला कोई कोई ही महापुरुष होता है। तो भगवान वामन बन के गए हैं और सिखा रहे हैं राजा बलि, इदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। सच्चा संतोष अगर मनुष्य सीख ले, हम लोगों में दिखावटी संतोष है। कोई पैसा दे रहा है, नहीं भाई जरूरत नहीं है, नहीं भाई जरूरत नहीं है, ऊपरी ढोंग करते हैं। सच्चा संतोष तोष माने मन का पुष्ट हो जाना। सच्चा संतोष आ जाए तो तेज बढ़ जाएगा। भगवान ने संकेत दे दिया कि मैं मेरा रूप बढ़ेगा। इदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यति असंतोषात अम्ब सेवा शुशुक्षणी। संतोष आ जाने के कारण भगवान छोटे हैं, लेकिन उस संतोष के कारण से दिखाई पड़ने हैं छोटे, लेकिन उनका तेज बढ़ने वाला है, त्रिविक्रम बनने वाले हैं।
राजा बलि ने देखा भगवान छोटे से हैं, क्योंकि बलि को संतोष था। संतोष में भगवान भी छोटा दिखाई पड़ता है, ये इस कथा का सार है। जैसे प्रहलाद के सामने नरसिंह जी गए और उन्होंने कहा कि फटकार दिया, तुम हमको कामनाएं क्यों सिखाते हो, मामाम प्रलोभयोत्प्युक्त्या आसक्तम कामेशु तैर्वरई, हमको लोभ देते हो इसलिए मैं तो आया हूं तुम्हारे पास डर करके, तत्संग भीतो निर्विण्णो मुक्षुस्त्वामुपाश्रितः। निश्चित बात है कि मैं तुम्हारे पास कामनाओं को छोड़ने के लिए, आसक्ति को छोड़ने के लिए आया हूं और तुम हमको प्रलोभन देते हो, ये कैसी उल्टी बात है। तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वाम उपाश्रितः। सच्चे संत जब हम, याद है कि हम पहले आधी टांग की गाती पहनते थे और जब नीचे तक पांव ढक कर गए तो हमारे बाबा ने फटकारा था, अरे तू तो घघरिया पलटन बन गया, घाघरा मतलब नीचे तक पांव ढक रहा है। हमने कहा देखो ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो कपड़ा पहनने पर ही डांट दें। अच्छे संत संसार में त्याग सिखाते हैं। आप भगवान होकर के बोले ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो, भगवान हो ये परीक्षा ले रहे हो। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर, हमारी परीक्षा ले रहे हो कि हमारा दास है कि भोगों को चाहता है। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तं कामेश्वचोदयत्। सच्चा दास तो कुछ नहीं चाहेगा, जाही न जाही कबहू कछु तुम सन सन सहज सने हैं, बसौ निरंदर तरासुर सुराउर तब गे। सच्चा सच्ची भक्ति है कि नहीं हमारे में आप परीक्षा ले रहे हो। नान्यथा ते खिल गुरु घटेत करुणात्मना, आत्मे अनंत करुणा है, करुणा वाला कोई लोभ नहीं देगा, परीक्षा ले रहे हो आप तो परीक्षा ले लो। यस्त आशीष आशास्ते न सा भृत्यः स वै बणिक। मैं भी परीक्षा दे रहा हूं, मैं बनिया नहीं हूं, मैं तुम्हारा दास हूं। जो आशीष कामनाओं को चाहता है वही दास है, वही परीक्षा में पास होगा। बाकी हम लोग लड्डू पेड़ा चट्टू पैसा अठन्नी चवन्नी जोड़ने वाले दास न थे न हैं न होंगे। भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तों कामेश्वचोदयत्। नान्यथा ते खुल गिरो घटेत करुणात्मनः। मैं सच्चा दास हूं, आशा सानो न वही भृत्या स्वामिन्य आशीषे आत्मनः। संतोष तो सेवक को चाहिए, स्वामी को भी चाहिए। स्वामी भी जो मतलब से पैसा देता है नौकर को वो स्वामी स्वामी नहीं है। न स्वामी भृत्यतः स्वामी इच्छन यो
राति चाशीष है, यानी चाहे स्वामी हो चाहे सेवक हो, अगर उसमें संतोष है तो स्वामी है, और नहीं स्वामी नहीं है भगवान भगवान कुछ नहीं है। सेवक में संतोष है तो सेवक है, न भक्त भक्त कुछ नहीं है, ढोंगी है जैसे हम लोग हैं। जिसके अंदर संतोष नहीं है वो माया में है, चाहे स्वामी हो चाहे सेवक हो। आप स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, सबसे गरीब बनकर के यहाँ वनचर बनकर रहे, वन्य संस्कृति में वनचरो विगृततेषु चरन्ति वेणुनां वहति गाहस यदा हि। इस तरह से श्रृंगार उनका क्या है, मोर की पूंछ, मोर का पंख, माला क्या है, गुंजामल, जंगली गुंजा जिसमें जहर होता है, और वन्य पुष्पों से श्रृंगार करते हैं। भगवान यहां पर अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करते हैं। गोपियां स्वयं कहते हैं, अनुचराई समुद्र वर्णित वीर्य आदु पुरुष इवाचल भूति वनचरो गिरतरेषु चरन्ति वेणुनां वहति गाहस आदि। काम क्या करते हैं, गैया चराते हैं, अत्यधिक साधारण वेश, साधारण कार्य, तो इसलिए सदा संतोष ही भगवान रखते हैं। एक भगवान इतने संतोषी हैं कि कभी नहीं कहते कि तुम हमको हलवा पूड़ी खिलाओ। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, एक लोटा जल दे दो, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान इतने संतोषी हैं। आठवां स्कंद 22वें अध्याय में श्लोक संख्या 23 में देख लो, यत पादयो अषटधी सलिलं प्रदाय दुर्वंकुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम। ये दिव्य श्लोक है। अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दाश्वान अविक्लव मनाः कथम आर्तिम ऋच्छेत। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके चरणों में अषठ धी, षठ मने कामना रखने वाला षठ है, कैतव, अषठ धी ऐसा भक्त अगर पानी, सलिल पानी दे देता है, अथवा धूप घास से आपकी सपर्या पूजा कर देता है, तो भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। आप इतने संतुष्ट हैं। अप्युत्तमाम गतिमसौ भजते त्रिलोक, इसने तो तीनों लोक को दान दिया है। अविक्लव मना, और घबराया नहीं, तो इसको क्यों कष्ट दिया जा रहा है। आपने इसको वारुण पास से 21वें अध्याय में 26वें श्लोक में अथ तार्क्षसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चुकीर्षितम बबंध वारुणी पाशैर बलिम सौते अहनि कृतौ। इसको वारुण पाश से बांधा गया जिसमें बड़ा कष्ट होता है। ये ऐसा क्यों है, इसने त्रिलोकी का दान दिया जबकि आप तो दान की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो एक चुल्लू पानी से ही संतुष्ट हो जाते हैं।
घास फूस से ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवान ने वामन रूप बनाया, उसका कारण था कि जो संतोषी है वो हमेशा तृणादपि सुनीचेन संतुष्ट रहता है, छोटा बन के रहता है। हम लोग कहीं जाएंगे कपड़ा अपड़ा अप टू डेट पहन करके, साधु बनने के बाद भी एयर बैग हाथ में लेकर के और जाते हैं। हमने एक संत से पूछा, वो कहीं जा रहे थे, नाम नहीं लेंगे, किसी संस्था से चंदा इकट्ठा करने। हमने कहा आप इतना बंठन के क्यों जाते हो? बोले बंठन के नहीं जाएंगे तो फिर डोनेशन नहीं मिलेगा, इसलिए हमको स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। तो हम समझ गए कि तृणादपि सुनीचेन का लेक्चर देते हैं खाली, प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। इनकी परिस्थितियां हैं, किसी पैसे वाले के पास जाएंगे तो वो फटीचर हालत में देखेगा तो इनको कुछ नहीं देगा, इनकी भी परिस्थितियां हैं। तो तृणादपि सुनीचेन भगवान ने दिखाया कि मैं संतुष्ट हूं, इसलिए छोटा बन के आया हूं और तीन ही डग पृथ्वी लूंगा, क्योंकि यावंतो विषया प्रेष्ठास्त्र लोक्याम अजितेन्द्रियम। तीनों लोकों का भोग दे दो किसी एक आदमी को, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। वो संसार में जन्म लेगा, मरेगा, यही सब माता पिता सिखाते हैं, परिवार वाले सिखाते हैं कि किसी तरह से ये धनवान बने। तृणादपि सुनीचेन सिखाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। भगवान वामन, भगवान वामन अंगुल के बन के इसीलिए गए कि संतोष मनुष्य को सरल छोटा बनाती है और असंतोष में भगवान छोटे से बन के गए और राजा बलि उनको तुच्छ दिखाई पड़ा। बलि संतुष्ट था, बलि ने देखा शुक्राचार्य ने कहे भगवान है, लेकिन संतुष्ट था, भगवान भी उसको छोटा दिखाई पड़ा। असंतोष आने पर वही बलि उनके लिए बड़ा बन गया। एक दोहा है, घर घर डोलत दीन है, जन जन जाचत जाए। असंतोष आने पर घर घर मनुष्य दीन की तरह डोलता है, एक एक पैसे मांगता है, जन जन जाचत जाए। बोले क्यों? दिए लोभ चश्मा चखन। लोभ का चश्मा जब आंखों पर लग जाता है तो लघु बड़ो जनाए, छोटा सा जीव बड़ा दिखाई पड़ेगा। जैसे दोनों लीला भगवान ने किया, संतोष जब दिखाया तो छोटे बन गए, अब लेने के समय असंतोष आया तो बलि उनको बड़ा दिखाई पड़ा। दाता दिए लोभ चश्मा चखनी, लघु बड़ो जनाए। लोभ का चश्मा देने पर तुच्छ आदमी भी बड़े लगते हैं, जैसे भिकमंगिने होती हैं, ए बाबू चार पैसा दे जा, इस तरह से भीख मांगती हैं भंगिने। श्री जी के मंदिर में जाते समय
वही हालत हम लोगों की होती है, साधु बनकर के भी डोनेशन के लिए घूमा करते हैं यहां वहां चारों ओर, और थोड़ा सा भी संतोष हुए तो उसका चमत्कार सामने आ जाता है। हम तो ये नहीं कहते हैं कि हमारे अंदर संतोष है, हम तो जीव हैं, लेकिन कल कोई व्यक्ति आया था, वो बात चल गई, हमने कहा भाई थोड़ी सी गायें हैं हमारे पास भी, बोले क्या है, हमने 20,000 होंगी बस। तो वो देख करके गया देखने, और इनसे आश्चर्य प्रकट किया, बोले ये आश्चर्य यहीं दिखाई पड़ा मान मंदिर में। और हम विचार करते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी, संभावना है तो इस स्थान की विशेष सेवा करेंगे। तो ये क्या था, एक संतोष नहीं है फिर भी एक संतोष का प्रदर्शन किया गया, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान इसीलिए उस भक्त का ऋणी हो जाता है जो परागति भगवान को मान लेता है। ये भगवान ने स्वयं कहा है 9वें स्कंद में श्लोक संख्या 65 में, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तान त्यक्तुम उत्सहे। मैं सारा संसार छोड़ दूंगा, ऐसे भक्त को नहीं छोड़ सकता हूं जिसके मन में दारा मन स्त्री सबसे ज्यादा बंधन, अगार मन मकान, बेटा बेटी, प्राण धन, ये सब छोड़ दिया जिसने, उसको तृष्णा नहीं है, उसका भगवान ऋणी हो जाता है। संसार में ऐसी शिक्षा न माँ दे सकती है न बाप दे सकता है, क्योंकि माँ बाप भी चाहते हैं बुढ़ापे में हमारी सेवा हो जाए। स्वार्थ लाग सक्कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही कह रीति। जिसके अंदर स्वार्थ है वो गुरु भी सिखाएगा या चाहेगा हमारे शिष्य का धन बढ़े तो बढ़े, तो हमारी सेवा करेगा। इसलिए ऐसी शिक्षा भगवान ही दे सकता है कि तृणादपि सुनीचे न, छोटे बनो। लेकिन हम जैसे लोभी लोग ऐसा नहीं सिखा सकते हैं। तो प्रसंग चल रहा था कि वो अद्वैत ज्ञान तत्व है क्या, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा जाता है, वो है ब्रह्म। एक 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 भागवत की शुरुआत उपक्रम सगुण साकार से हुआ है। जन्मादि अस इस संसार का जन्म, प्रलय और उपसंहार जहां से है,
जिस भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया तेने ब्रह्म हृदय, अपने हृदय से उन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान हृदय से दिया जाता है, खाली से मुंह से बक बक करने वाले वक्ता हम जैसे बहुत हैं, मुंह से बक बक करते हैं कि पैसा मिलेगा, कथा जमेगी। हृदय से ज्ञान देने वाले केवल भगवान हैं या संत होते हैं। उन्होंने ब्रह्म वेद का उपदेश दिया आदि कवि ब्रह्मा के लिए, जिनके बारे में सूरी बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। ब्रह्म मोह लीला, वरुण का मोह, सती का मोह, गरुड़ का मोह, तमाम सूरी हैं जो मोहित हो चुके हैं। जहां सृष्टि सत्य दिखाई पड़ती है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमो यत्रत्र सर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये भगवान का स्वरूप लक्षण है, सत्यम परम धीमहि। ऊपर के जो लक्षण है तटस्थ लक्षण है। भगवान जिस समय सृष्टि के आदि में, अंत में, मध्य में सदा सत्यम परम सत्य स्वरूप हैं, कभी भी माया का प्रभाव उन पे नहीं पड़ता है। इसका प्रमाण ले लो, भगवान ने प्रलय के बाद ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी प्रमाण, चतुश्लोकी भागवत सुनाई। चार श्लोकों में, दूसरे स्कंद में, नौवें अध्याय में उन्होंने 31 से 35वें श्लोक तक चतुश्लोकी भागवत माने दिव्य ज्ञान दे दिया, और उसी ज्ञान से ब्रह्मा को ज्ञान हो गया। उस ज्ञान के पहले भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी यह श्लोक है 31वां, दुराग्रही से तो बहस करना नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए न उजराओ, सौ मन साबुन खाए। कोयला को तुम सफेद नहीं बना सकते हो, सौ मन साहू साबुन घिब दो, कोयला सफेद नहीं होगा। तो उसी तरह से जो दुराग्रही है, लेकिन जो दुराग्रही नहीं है उसको समझा सकते हो। भगवान प्रलय काल में भी सगुण साकार रहता है, प्रलय के बाद भी रहता है, सृष्टि में सदा उसका रूप रहता है, गुण रहता है, कर्म है। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरा रूप है, मेरा गुण है, मेरा कर्म है। यावान अहम यथा भावो, यावान मने मैं जितना हूं, छिपाऊंगा नहीं, तुझसे सब कुछ बता दूंगा ब्रह्मा। यथा भावो, जैसा मेरा सच्चिदानंद स्वरूप भाव है। क्या है? यद रूप, जैसा मेरा रूप है, जैसे मेरे गुण हैं। भगवान का रूप है, निराकार नहीं है, साकार है।
भगवान का गुण है, निर्गुण नहीं है, अनंत गुण है। भगवान के कर्म हैं, लीलाएं हैं, वो तुमको स्वयं तत्व ज्ञान हो जाएगा मेरी कृपा से। यानी जिस पर कृपा नहीं है उसको हजार जोर लगा लो। हमने यहां देखा हमारे में कर्तृत्व है और था ही। बहुत से लोग यहां रहे, सेवा किया और ये दिखाई पड़ गया कि ये नष्ट होने वाले हैं, इनमें अहम आ गया, दुर्भाव आ गया, इनकी श्रद्धा नहीं रही, हम उनको बचा नहीं सके। ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते थे कि वे बचें, हमारे चाहने के बाद भी वो नहीं बच पाए, मिट्टी मिल गए। क्योंकि मदनुग्रह भगवान की कृपा ही जीव को बचाती है, कृपा नहीं है तो नहीं बचेगा। चतुश्लोकी में मदनुग्रह शब्द कहा भगवान ने। मैं जैसा हूं, जैसे मेरे रूप हैं, जैसा मेरा गुण है, जैसा कर्म है, उसका ज्ञान तुमको मेरी कृपा से ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये पहला श्लोक है चतुश्लोकी के, उपक्रम कहना चाहिए इसको। यावान अहम यथा बाबो यद रूप गुण कर्म का, भगवान का रूप होता है, आकार होता है, भगवान सगुण है, उसमें दिव्य गुण है, वात्सल्य, दया, क्षमा आदि, ये गुण न हो तो जीव प्राप्त ही नहीं कर सकता उनको। भगवान के कर्म हैं, लीलाएं हैं, जो क्यों करते हैं, उन लीलाओं को गा करके हम आराम से उनके पास पहुंच जाएं। लेकिन इसके पहले मूल में मदनुग्रह जरूरी है। कृपा नहीं है तो हम तुमको सुनाएं रूप, तुमको सुनाएं गुण, तुमको सुनाएं कर्म, तुम्हारा आस्था नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा और तुम समझोगे ये जाल फैलाया जा रहा है हमको मोहित करने के लिए। मूल में कृपा ही, इसके बाद चतुर्श्लोकी उन्होंने बताई है। ये अद्वैत ज्ञान तत्व क्या है, ये प्रसंग चल रहा है, अभी चलेगा।